जब कोई बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तरीके से अपनी बात सामने रखता है तो आप ना चाहते हुए भी उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। देखो बिग बॉस के घर में ऐसे बहुत लोग रहे हैं जिन्होंने बहुत लड़ाइयाँ भी की हैं, बहुत ज़्यादा अपने ओपिनियन रखे हैं, वो भी शो जीत कर निकले हैं, सिद्धार्थ शुक्ला। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा सही हो या हमेशा गलत हो, लेकिन आप हमेशा अपनी बात रख रहे हो और मुंह पर अपनी बात रख रहे हो, यानी कि पीठ पीछे बकवास नहीं कर रहे, जो भी है वो खुलकर बोल रहे हो, मुंह पर ओपिनियन दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप जनता के दिल में बस ही जाते हो। बिग बॉस रियल पर्सनालिटी का शो है, जैसे हिना खान ने अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाई, जो भी अच्छी बुरी, अच्छी आदतें बुरी आदतें सब दिखाया। जनता के ऊपर है वो आपकी अच्छी बुरी दोनों आदतों को अपनाकर आपसे प्यार करती है या नहीं। जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला को प्यार मिला इस वक्त, मैं आपको बता दूं सीजन 13 में इनफैक्ट सबको प्यार मिला। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पूजा भट्ट की अच्छी बुरी जो भी आदतें हैं, लेकिन जनता उनसे प्यार कर रही है। जी हाँ, उर्फी जावेद भी ऐसे में सामने आई हैं, और उर्फी जावेद जो कि खुद सीजन 1 की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं बिग बॉस ओटीटी की और पहले ही हफ्ते निकल गई थी, बट इस वक्त मैं आपको बता दूं कि उर्फी जावेद ने पोस्ट शेयर किया है, जी हाँ ट्वीट किया है माफ कीजिएगा, और पूजा भट्ट के लिए वो लिखती हैं, ऑनेस्टली पूजा भट्ट इज सो क्लासी एंड डिग्निफाइड, द वे शी कॉल्ड आउट जैड फॉर कॉलिंग आकांक्षा अ बैड किसर आफ्टर सीमिंगली एंजॉयिंग द किस, शी इज अमेजिंग, स्ट्रॉन्ग, आउटस्पोकन, वेल बिहेव्ड, बिग बॉस ओटीटी 2। एंड इन सारी बातों से मैं भी इक्वली अग्री करती हूँ, बिकॉज पूजा भट्ट डोमिनेटिंग है, यस। क्या वो स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड है? यस। क्या वो गलत को गलत कहती हैं? यस। लेकिन फिर भी क्योंकि दोस्ती है तो वो थोड़ा बहुत गलत को नज़रअंदाज करती हैं? यस। क्या वो सही को सही बता रही हैं? यस। तो ये जो मेजर क्वालिटीज़ हैं उनकी, इसे कोई भी आप इग्नोर नहीं कर सकते पूरी तरह से। आप ये नहीं कह सकते नहीं पूजा भट्ट तो शो में कुछ कर ही नहीं रही है, बिकॉज शी इज़ वेरी वेरी फियर्स एंड शी इज़ फुल ऑफ फायर, नो डाउट। सो कहीं ना कहीं पूजा भट्ट ने जिस तरह से जैड को कॉल आउट किया, आई थिंक इट वॉज अमेजिंग, बिकॉज यू सीमिंग नॉट सीमिंगली यू कम्प्लीटली इंजॉयड द किस, और फिर आकर आप वो बॉय टॉक कर रहे हो कि शी वॉज अ बैड किसर एंड दिस एंड दैट, क्लासलेस एंड क्रास एब्सोल्युटली जो जैड ने किया, और अभिषेक भी माफ कीजिएगा अविनाश भी उसमें उतना ही हंस रहे थे, तो एब्सोल्युटली क्रास। बट मैं आपको बता दूं कि उर्फी जावेद ने जैसा कहा है पूजा भट्ट के बारे में, गौहर खान से लेकर कई सारे सेलिब्रिटीज़ का यही सेम चीज़ कहना है कि पूजा भट्ट भले ही थोड़ा डोमिनेट कर देती है, लेकिन वो हमने पास्ट में कई बार देखा है, वो लोगों की, बहुत सारे लोगों की पर्सनैलिटी होती है डोमिनेट कर जाना, बट क्या वो गलत है? नहीं, काफ़ी जगह पर पूजा भट्ट सही है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल विनर के तौर पर भी नज़र आ रही हैं। ऑफकोर्स अभिषेक तो है ही।